बिहार विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव गोपालगंज और मोकामा की सीट पर होने वाले हैं, जिसके तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। बता दें ये उपचुनाव काफी खास है, क्यों यह भी बतलाएंगे। सबसे पहले हम आपको तारीखों के बारे में बता दें, चुनाव विभाग की ओर से 3 नवंबर की तारीख तय की गई है, मगर यह चुनाव कई मायने में खास होने वाला है। ये महागठबंधन और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच लड़ाई को दिलचस्प तरीके से दिखाएगा। बता दें यह चुनाव बीजेपी के लिए खास हो न हो, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए बहुत खास होने वाला है, क्यों बतलाते हैं। दरअसल आरजेडी को केवल एक और सीट की जरूरत है, जिसके बाद महागठबंधन बिना जेडीयू के समर्थन के सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, और इस वजह से आरजेडी का कैंडिडेट चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार के आगे की राह कैसी होगी, किस रास्ते पर रहेगी, यह तेजस्वी यादव तय करेंगे। बड़ी बात यह है कि यह चुनाव महागठबंधन में रहकर भी नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला करेगा। गोपालगंज की सीट पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। इस सीट से सुभाष सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। महागठबंधन की ओर से प्रतिनिधित्व के नाम की घोषणा कर दी गई है। मोकामा विधायक अनंत सिंह की विधानसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद यह सीट खाली हुई है। यह सीट आरजेडी की है। अब आरजेडी ने AK-47 मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को इस सीट से उतारने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि यह सीट बाहुबली विधायक अनंत सिंह के नाम पर आरजेडी के खाते में जाना तय है, लेकिन गोपालगंज सीट पर महागठबंधन के पेच फंस चुके हैं। आरजेडी, जेडीयू या कांग्रेस, इन तीनों में से कौन सा दल उम्मीदवार को उतारेगा, यह देखना है। बता दें कि आरजेडी ने गोपालगंज सीट पर अपनी दावेदारी की है। पार्टी की ओर से उम्मीदवार का चयन भी किया गया है। मोहन गुप्ता को टिकट देने का फैसला किया गया है, लेकिन इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि सहयोगी दल जेडीयू और कांग्रेस पार्टी की ओर से सहमति नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि गोपालगंज सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। जेडीयू की मांग है कि उपचुनाव की एक एक सीट पर दोनों दल चुनाव लड़े, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। बतला दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सिंह ने जीत दर्ज की थी। सुभाष सिंह ने लालू यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव को हराया था। साधु यादव इस बार अपनी पत्नी को इस सीट से उतारना चाहते हैं। वहीं आपको बतला दें कि 2020 में कांग्रेस ने गोपालगंज सीट पर अपना उम्मीदवार दिया था। पार्टी उम्मीदवार आसिफ गफूर ने तीसरा स्थान हासिल किया था, लिहाजा कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। हालांकि आरजेडी के लिए कांग्रेस को समझाना बड़ी समस्या भले ना हो, लेकिन यह सीट तेजस्वी और जेडीयू के लिए काफी अहम है। अभी सरकार बनाने के लिए आरजेडी और जेडीयू के साथ की जरूरत है। गोपालगंज फतह के बाद तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए यह निर्भरता खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने मोकामा के साथ साथ गोपालगंज में भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। मोकामा में ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी पार्टी की उम्मीदवार है, तो गोपालगंज में कुसुम देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि इस उपचुनाव में नीतीश कुमार के राह किस तरीके से बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।